अपने यात्रियों की सुविधाओं में लगातार इजाफा करने वाली दिल्ली मेट्रो सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने की दिशा में भी बड़ी तेजी के साथ काम कर रही है। इस कड़ी में दिल्ली मेट्रो ने एक निजी कंपनी के साथ भोपाल में सोलर पावर परचेज के 25 साल के एग्रीमेंट को किया, जिसके बाद मेट्रो का दावा है कि फेज 3 की पूरी लाइन सोलर पावर युक्त हो जाएगी। दिल्ली मेट्रो ने यह एग्रीमेंट भोपाल में हुए कार्यक्रम में किया, जिसमें केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू और बिजली मंत्री पीयूष गोयल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल रहे। इस पावर परचेज एग्रीमेंट से मेट्रो अप्रैल 2016 से जुड़ी हुई है। इस कार्यक्रम में मेट्रो की ओर से अनूप कुमार गुप्ता डायरेक्टर मौजूद थे। दिल्ली मेट्रो के सोलर पावर परचेज सिस्टम को अनूप कुमार गुप्ता काफी लंबे वक्त से देख रहे हैं। इस एग्रीमेंट के तहत दिल्ली मेट्रो 345 मेगा यूनिट का उत्पादन दिल्ली मेट्रो करेगी। इससे दिल्ली मेट्रो को काफी बचत होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। डीएमआरसी ने 2017 के आखिरी तक 20 मेगावाट रूफ टॉप बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।